हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशांत सोनी, सेल्स मैनेजर फ्रॉम मनोहर सिंह एंड कंपनी, एक बार फिर आ गया हूँ आपके पास हमारे एक और अच्छे और बड़ी खूबसूरत प्रोडक्ट को लेते हुए। जी हाँ, जो आप अभी हमारे पीछे देख रहे हैं, ये हमारे 500 गज पे, पूरे 500 गज पे बने हुए 5 BHK इंडिपेंडेंट फ्लोर, या फिर आप इसको 4+1 भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं, ये न्यू चंडीगढ़ की एक नई ब्यूटी जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। एक 500 गज का इंडिपेंडेंट फ्लोर अपने आप में बड़ी ह्यूज प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरनली, तो 500 गज की जब आप फ्लोर की बात करते हैं, तो क्या उसमें ब्यूटीफुल है, क्या उसमें अच्छा होना चाहिए, क्या हमने अंदर इसकी खूबसूरती रखी है, वो बिल्कुल मैं अभी आपको अंदर बताने जाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको नज़र डलवाना चाहूँगा हमारे इस 500 गज के फ्लोर पे। लेट मी टेल यू कि ये G+2 पे हमने आपको बनाकर प्रोवाइड किया है, विच है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर। सबसे अच्छी खासियत कि इट इज़ नियरिंग टू पोजेशन, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अब हम इसको डिलीवर करने वाले हैं, और एक बार आपने ऑलरेडी इसका लुक लिया है तो चलते हैं अंदर और आपको बताते हैं कि क्या क्या इसकी खासियत है, क्या इसकी खूबसूरती है। लेकर चलते हैं आपको। तो बाहर से अंदर की ओर आते हुए आ चुके हैं अभी हम हमारे G+2 500 गज के फ्लोर के ग्राउंड फ्लोर की मेन एंट्री पर, जिसमें आप अभी देख सकते हैं जहां पर हम खड़े हुए हैं। ये आपको एक एक्स्ट्रा वरांडा एरिया मिल रहा है, बाहर आपकी टू व्हीलर्स या छोटी मोटी चीजों की पार्क करने के लिए जगह रहेगी आपकी ये, और इसके अलावा बाहर आप अपना शू स्टैंड वगैरह के लिए इसको बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर पॉट्स लगा सकते हैं, बड़ी अच्छी एक आप ब्यूटिफिकेशन इसकी कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो आप मेरे राइट में डोर देख रहे हैं, ये रहेगा आपका मेन एंट्री डोर। तो मेन एंट्री पर सबसे पहले मैं आपकी नज़र डलवाना चाहूँगा यहाँ की एक बड़ी खास चीज़ पर। ये जब आप देखेंगे तो एक जो डोर लॉक है, ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मल्टी ऑपरेशनल मल्टीपर्पज़, जिसमें आप जब देखेंगे तो यहाँ पर पिन एक्सेस है, फिंगरप्रिंट एक्सेस है, यू कैन होवर अ कार्ड, या फिर आप डायरेक्ट की से इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो आइए एंट्री मारते हैं हमारे इस डोर पे और लेकर चलते हैं आपको हमारे इस ब्यूटीफुल चीज में। तो आ चुके हैं अब अभी हमारे हम इस 5 BHK फ्लोर्स में। तो 5 BHK फ्लोर में जिस एरिया में अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, ये हमारे यहाँ का एक वो एरिया है जो आपके लिए बड़ा ही यूज में आने वाला है। दिस इज योर ड्रॉइंग एरिया। अब ड्रॉइंग एरिया की जब हम बात करते हैं, तो लुक एट द साइज, लुक एट द ब्यूटी, पूरा ही जो आप वर्क देख रहे हैं फॉल सीलिंग का, इंक्लूडिंग कोव लाइट्स, कंसील्ड लाइट्स, ये हम आपको कंप्लीट करा के देंगे। साथ ही मैं यहाँ से नज़र डलवाना चाहूँगा बाहर आपको हमारी UPVC विंडोज़ एंड डोर्स पे, जो कि आपके लिए एक नेचुरल लाइट का बहुत ही अच्छा सोर्स हमने आपको दिया हुआ है। आपके फ्रंट एंट्री से आपके जब घर में एक नेचुरल लाइट रहती है, तो वो हमारे इसकी सबसे बड़ी खासियत है। UPVC डोर्स को थोड़ा पास से अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, तो यू हैव टू काइंड ऑफ डोर्स बेसिकली। वन इज विद टफेंड ग्लास, जो आपके लाइट के लिए यूज़ होने वाला है। सेकंड वन इज़ मैश डोर्स। मैश डोर्स आप तब यूज़ करते हैं व्हेन यू नीड एयर वेंटिलेशन, बाहर से कोई डस्ट वगैरह का आपका रिस्क नहीं रहता है। ब्यूटीफाई करने के लिए हमने यहाँ पर अगर चौखाटे देखे, तो यहाँ पर बड़ी अच्छी टीक वुड से ब्यूटीफाई करके हमने यहाँ चीज़ें बनाई हुई हैं। और इसके बाद अगला जो आप इतना बड़ा ओपन एरिया देख रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा ड्रॉइंग के अलावा फैमिली लिविंग लाउंज है, जिस पर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ। फैमिली लिविंग लाउंज से अगर आप देखें, तो वही अगेन मैं लाइट और वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ की और डोर्स की बात कर रहा, तो यहाँ भी हमने नेचुरल लाइट का एक बहुत बड़ा सोर्स दिया है, विच इज़ एन ओपन टू स्काई डक्ट, जो आपके फ्लैट में इंडिपेंडेंट फ्लोर में बहुत ही अच्छी नेचुरल लाइट लाकर देगा। साथ ही साथ अगर आप इसको देखें, तो ग्राउंड फ्लोर के लिए एक बाहर एक बहुत अच्छा सिट आउट एरिया भी बन जाएगा आपका। सिटिंग के लिए बहुत अच्छी हम यहाँ पर टाइल्स के बीच बीच में ग्रास भी लगा कर मेंटेन करेंगे। साथ ही साथ लिविंग एरिया से जब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो अब लिविंग एरिया से ठीक अगला पार्ट जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, वो रहेगा हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया एंड ड्राइंग एरिया, डाइनिंग के ठीक सामने अगर आप देखें, तो हमने आपको बनाकर देना है एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत मॉड्यूलर किचन। तो किचन की जैसा मैं आपको बता रहा था, किचन में जो हम फिटिंग्स लगा के दे रहे हैं, ये होंगी आपकी ब्लम कंपनी की हाइड्रोलिक फिटिंग्स, विच विल बी सॉफ्ट क्लोजर। एज़ यू कैन सी, जो हमारी फिटिंग्स हैं, वो सारे के सारा काम हम आपको बड़े ही अच्छा लग्जरी बहुत स्पेसियस किचन हम आपको कंप्लीट करा कर देंगे। इसके अलावा ऊपर भी हमने काफ़ी सारे रैक्स वगैरह आपको बना कर देने हैं, जो अगेन हाइड्रोलिक फिटिंग्स के साथ होंगे और सॉफ्ट क्लोज में होंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। इसके अलावा कुछ एक चीज़ें जो भी यहाँ पर लगना बाकी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको माइक्रोवेव ओवन, OTG, दैट विल बी अ ग्रिल। साथ ही साथ राइट साइड में जब आप वापस नज़र डालेंगे, तो हमने चिमनी के लिए जो प्रोविजनिंग की, इसमें चिमनी भी हम लगा कर देंगे आपको। इसके अलावा एक जो मेन चीज़ रहेगी, वो आपकी कुकटॉप, जो हम इसमें आपको लगाकर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी देखने को मिलने वाली हैं, जो कि और भी ज़्यादा अच्छी लग्जूरियस रहेंगी। लग्जरी की जब हम बात करते हैं, तो मैं आपको बड़ी अच्छी तरीके से एक बार बताना चाहता हूँ
कि इस पूरे इंडिपेंडेंट फ्लोर की सारी ही फ्लोरिंग हम आपको करके दे रहे हैं इटालियन मार्बल से। एज़ यू कैन सी, ये जो मार्बल है इसमें जब एक बार और हम पॉलिश करते हैं तो पूरी ही पूरी आपको मिरर फिनिशिंग इसमें प्रोवाइड करके हम आपको देंगे। साथ ही साथ अगर आप नज़र डालें ऊपर हमारे फॉल सीलिंग पे, तो दिस विल बी द एरिया जो हम पूरे रो की फॉल सीलिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कोव लाइट्स एंड आपका जो रहेगा इसमें कंसील्ड लाइट्स, ये सारा काम हम आपको करा कर देंगे। सो अगेन दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो आप हमारे इस इंडिपेंडेंट फ्लोर में देखने वाले हैं। अब लेकर चलते हैं इन पार्ट्स के अलावा, ये तो हो गए थे हमारे कॉमन एरियाज, ड्राइंग, डाइनिंग, लिविंग एरिया एंड किचन। बात करते हैं हमारे बेडरूम्स की, तो लेकर चलते हैं आपको हमारे बेडरूम्स की तरफ। लेकर चलते हैं आपको हमारे बेडरूम्स की ओर, जिसमें मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अभी हमारे इस फ्लोर के सबसे पहले बेडरूम में। तो आइए लेकर चलते हैं आपको इस बेडरूम के अंदर। तो ये तो हो गया हमारे इस पूरे फ्लोर का सबसे पहला बेडरूम। अगेन जिन चीज़ों की मैं आपको बात कर रहा था वो अगेन इसमें भी हो गई, फॉल सीलिंग, कंसील्ड लाइट्स, कोव लाइट्स जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये सारे काम हम आपको कंप्लीट करा कर देंगे। तो अगेन एक और चीज़ जो मैं आपको शुरू से ही बताता आ रहा हूँ वो रहेगी हमारी UPVC लाइट्स के लिए विंडोज़ एंड डोर्स। तो ये यहाँ पर भी हम आपको टफंड ग्लास के साथ और आपका जालियों के साथ हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। यहाँ पर अभी मैं आपको जो नज़र डलवाना चाह रहा हूँ ये है इस फर्स्ट बेडरूम का वॉशरूम विद कवर्ड सेपरेट ड्रेसिंग एरिया। वॉशरूम जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आगे भी सारे वॉशरूम मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक उसी तरीके से सारे वॉशरूम हम आपको कंप्लीट करके देंगे विद अगेन सारी ब्रांडेड CP फिटिंग्स। और ये आ जाता है इसमें हमारा सेकंड बेडरूम। जब आप इसके अंदर आएंगे तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको ये एक तरीके से आपके लिए गेस्ट बेडरूम या किड्स बेडरूम का काम करेगा। विंडोज़, लाइट फॉर वेंटिलेशन, ये दोनों हमने यहाँ भी आपको दिए हुए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी खासियत है कि आपके इस पूरे फ्लोर में हमने नेचुरल लाइट के सबसे ज़्यादा सोर्स दिए हैं। नॉट अ सिंगल बेडरूम, कोई भी ऐसा बेडरूम ऐसा नहीं है आपका जिसमें आपको कोई नेचुरल लाइट का अच्छा सोर्स नहीं मिलता। पूरी वॉल हमने ड्रेसिंग से पूरे कबर्ड्स के लिए एक आपको कंप्लीट करके दी हुई है। बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस हम आपको यहाँ वार्डरोब कलेक्शन करवा के देंगे प्रॉपर एक। और ये भी अगेन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सॉफ्ट क्लोजर के साथ। सो ब्यूटी की जब हम बात करते हैं तो वी आर ऑलरेडी इन, और अगेन इन बेडरूम में भी आप देखें तो हम फॉल सीलिंग आपको पूरी प्रोवाइड करके दे रहे हैं, फॉल सीलिंग विद कोव लाइट एंड कंसील्ड लाइट। अगेन फ्लोरिंग की जब मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि अगेन इटालियन मार्बल हम आपको इस बेडरूम में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ वॉशरूम की बात करें तो इस किड्स बेडरूम या गेस्ट बेडरूम का वॉशरूम भी हमने अंदर ही एडजॉइन करके दिया हुआ है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो आप इस इंडिपेंडेंट फ्लोर में देख रहे हैं। अभी वॉशरूम में जो फिटिंग्स लगना बाकी हैं वो भी हम आपको लगा के देंगे। दैट विल बी योर वॉशिंग वॉश बेसिन, आपकी सारी CP फिटिंग्स, वो भी अगेन एंड स्टैंडर्ड ब्रांड की फिटिंग्स हम आपको कंप्लीट करा कर देते हैं। तो ये तो था हमारा सेकंड बेडरूम। अब हम आपको लेकर चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की ओर, आइए। सो नाउ वी आर इन आवर थर्ड बेडरूम। इस बेडरूम की साइज़ की जब हम बात करेंगे तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस बेडरूम, यू कैन लुक एट द साइज़ जो हमारा आप इसका देखें तो बहुत ही एक ह्यूज साइज़ में हमने बेडरूम आपको दिया हुआ है। अगेन फॉल सीलिंग पे आप नज़र डालें, फॉल सीलिंग पूरी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद कोव लाइट्स एंड कंसील्ड लाइट्स, और साथ ही साथ ड्रेसिंग एरिया, एक बहुत बड़ा स्पेसियस ड्रेसिंग एरिया यहाँ भी हम बनाकर आपको कंप्लीट करके देंगे। सो ड्रेसिंग के साथ साथ आप बगल में नज़र डालें तो अभी मैं आ रहा हूँ इसके वॉशरूम में, और वॉशरूम में अब आप नज़र डालिए कि कितना स्पेसियस वॉशरूम हम आपको यहाँ प्रोवाइड करके दे रहे हैं। सारी ही CP फिटिंग अगेन इसमें भी लग्जरी कंपनी की होंगी, एक अच्छी ब्रांड्स की होंगी, और जिस जगह मैं अभी आपको खड़ा करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ खुद, ये आपका रहेगा चैम्बर्ड शावर एरिया। शावर, आपकी सारी फिटिंग्स ये कंप्लीट करके हम आपको देंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड बेडरूम और इसका वॉशरूम। नज़र डलवाना चाहूँगा आपके पीछे के इस पार्ट में, जैसा मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर हमारा लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए एक बहुत अच्छा हमने सोर्स दिया हुआ है। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, UPVC विंडोज़ एंड डोर्स विद टफन ग्लास एंड मैश डोर्स। इसके ठीक यहाँ पर ये जो आप डोर देख रहे हैं ये आपको लेकर जाता है आपके रियर लॉन की ओर। तो यहाँ से आप नज़र डाल सकते हैं कि आपका डोर किस तरीके से आपको रियर लॉन की कनेक्टिविटी देता है, और यहाँ से ही आप अपने पीछे रियर लॉन में कनेक्ट करेंगे। अभी यहाँ की ग्रीनरी हम मेंटेन करने वाले हैं, ये जो कच्चा एरिया आप देख रहे हैं प्रॉपर आपके लिए ग्रीन मेंटेन्ड एरिया होगा। तो ये तो था हमारा थर्ड बेडरूम। इसके बाद लेकर चलते हैं आपको हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और वो बेडरूम जिसके लिए हर कोई वेट कर रहा होता है। तो आइए दिखाते हैं हम आपको हमारा मास्टर बेडरूम। सबसे पहले नज़र डलवाना चाहूँगा मैं आपको इस बेडरूम के साइज़ पे। तो व्हेन यू लुक एट द साइज़, इट्स वेरी ह्यूज, वेरी स्पेसियस बेडरूम, और अगेन फॉल सीलिंग विद कंसील्ड लाइट्स,
स्कोप लाइट्स एंड साथ ही साथ फ्लोरिंग, वो भी इटालियन मार्बल। इटालियन मार्बल अपने आप में सबसे ज़्यादा लग्जूरियस फ्लोरिंग आज तक के टाइम पे काउंट की जाती है। इसके बाद मास्टर बेडरूम होने के साथ साथ इसकी क्या सबसे बड़ी खासियत है, वो रहेगा इसका वॉशरूम कम ड्रेसिंग एरिया, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वॉक इन क्लोसेट। यहाँ से देखना आप स्टार्ट करेंगे और यू विल सी कि कितना बड़ा एक ड्रेसिंग एरिया हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ड्रेसिंग एरिया बहुत स्पेसियस है, फुल हाइट तक की हमने सीलिंग तक की आपको पूरी ड्रेसिंग कंप्लीट करके दी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा उससे भी बड़ा वॉशरूम। वॉशरूम अगेन मास्टर बेडरूम का बहुत स्पेसियस है, एज यू कैन सी सारे ही हमने डायना इटालियन फिनिशिंग की टाइलों की आपको कंप्लीट करके वर्क दिया हुआ है। और अगेन इसमें भी सारी सीपी फिटिंग जब लगेंगी तो इसकी खूबसूरती कुछ और होगी। यहाँ से ठीक इस पार्ट से आपका इतना बड़ा हम आपको चैम्बर्ड शावर एरिया देख रहे हैं। विंडोज़ यू कैन सी फोर नेचुरल लाइट अगेन इवन इन वॉशरूम। तो ये तो था हमारा वॉशरूम। अगेन इस बेडरूम में भी जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रहेगा अगेन यूपीवीसी लाइट्स विंडो एंड डोर्स। और ये आपका वो डोर है जो अगेन आपको उसी रियर लॉन में एग्जिट कराता है जिसमें अभी हम पहले थे। तो आ चुके हैं अब अभी हमारे इस ग्राउंड फ्लोर के सर्वेंट रूम पे। मैं आपको बताना चाहूँगा सर्वेंट रूम हमारी मेन एंट्री से बिल्कुल अलग एंट्री पर है। दिस इज़ बेसिकली योर लॉन एरिया या कॉमन एरिया जिससे आप फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के लिए ऊपर जाते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि सर्वेंट रूम की एक्सेस भी हमने बिल्कुल अलग एरिया से आपको दी हुई है। बगल में एक लिफ्ट है फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर पर जाने के लिए जो हम लगा कर आपको देंगे। और साथ ही साथ ये डोर वो है जहाँ से हम सर्वेंट रूम के लिए एंट्री करेंगे। तो यू कैन सी सर्वेंट रूम फिलहाल हमने इसको हमारे एक स्टोर के तौर पर यूज़ किया हुआ है। एक प्रॉपर अंदर भी विंडो दी है लाइट के लिए। लेफ्ट में आप देखेंगे तो वॉशरूम भी हम सेपरेट सर्वेंट रूम के साथ ही कंप्लीट करके आपको देंगे। सो अगेन इसके साइज़ की बात करें तो अराउंड ये 10x10x11 के एक अप्रोक्स आपको साइज़ का हम स्पेशल एक सर्वेंट रूम विद सेपरेट एंट्रेंस सेपरेट एग्जिट पॉइंट हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा हमारे इस मनोहर सिंह एंड कंपनी का 500 गज पे बना हुआ एक इंडिपेंडेंट फ्लोर जिसकी टोटल एमिनिटीज एकोमोडेशन है आपकी 5 बेडरूम या आप इसको कह सकते हैं 4 BHK विद अ ह्यूज साइज सर्वेंट रूम। मैं आपको एक बार फिर से एक बार जस्ट एक राउंड अप करवा देता हूँ कि जहाँ पर हमने एंटर करके सबसे पहले देखा हमारा ड्राइंग एरिया जिसमें मैं खड़ा हूँ, दिस इज योर लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, सामने किचन। आप अगर अभी राइट साइड में नज़र मारें तो ये आपका सबसे पहला बेडरूम आ जाएगा, दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम। लेफ्ट में आपका ये सेकेंड बेडरूम आ गया, थर्ड बेडरूम एंड ठीक ऑपोजिट में आपका मास्टर बेडरूम। 4 बेडरूम इज इनसाइड योर इंडिपेंडेंट फ्लोर। 5वें बेडरूम के लिए आप बाहर जाते हैं सेपरेट जो कि सर्वेंट रूम होगा। तो दिस वॉज द इंडिपेंडेंट फ्लोर ऑफ मनोहर सिंह एंड कंपनी 5 BHK लग्जूरियस मोस्ट लग्जूरियस इंडिपेंडेंट फ्लोर इन द ट्राई सिटी। तो आई होप आपको अभी तक मेरी दी सारी डिटेल समझ आई हो, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ईजी और अच्छे से आपको समझ आ गई हो। स्टिल इफ देर इज एनी कन्फ्यूजन यू कैन गो इनसाइड द डिस्क्रिप्शन लिंक और वहाँ पर जाकर आप सारी डिटेल देख सकते हैं। प्राइजेस के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल करें और फॉर एनी बेटर डिस्काउंट एंड ऑफर कीप कॉन्टैक्टिंग अस, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।